गाइस हमने अपनी टिकट कटा दी है और हमें जो टिकट बैठा है यहाँ से बनबासा खटीमा तक का बैठा है एक जने को 511 रुपए। ये देखो। तो हे गाइस वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस कैसे हो सब लोग? आई थिंक सब बढ़िया होगा और आप लोगों ने होली बढ़िया मनाई होगी। और मैं होली की ब्लॉग इसलिए डाल पाया क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए ब्लॉग करने का मुझे टाइम नहीं मिला और मैंने ज्यादा होली खेली भी नहीं है, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको बता दूं हम जा रहे हैं बनबासा, ठीक है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि अभी ये सीन है, जो मेरे बड़े भैया हैं वो मेरी छोटी वाली बहन को और मेरी मम्मी को लेके पहुंच चुके हैं मेन रोड में, और अभी उनका कॉल आया कि तुम वहाँ पे रहना, मैं आ रहा हूँ लेने। तो वो भी उनका वेट करते हैं, ठीक है, मतलब चलते रहते हैं, वेट क्या करना, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि अभी हमारी जो जर्नी होने वाली है यहाँ से देहरादून से बनबासा की, वो होने वाले 300 किलोमीटर, ठीक है। तो मतलब 300 किलोमीटर ऑलमोस्ट मतलब हमें 6-7 घंटे लग जाएंगे। तो ये गाइस भैया आ चुके हैं, ये नहीं जा रहे हैं हमारे साथ क्योंकि इन्हें काम है, ठीक है, देहरादून में इन्हें काम है। और हम तो जाएंगे, हम अपनी छुट्टियां मनाएंगे, हम क्योंकि छुट्टी में, और चलते हैं। चलिए तो हम लोग बहाने वाला पहुंच चुके हैं और उसके बाद यहीं से जो हमें हरिद्वार की बस मिलेगी और उसके बाद से हरिद्वार से हमें जाना है बनबासा, ठीक है। तो मम्मी लोग वेट कर रहे हैं, मैं भी वेट कर रहा हूँ, वहाँ से आएगी अभी देहरादून से आएगी अभी हरिद्वार के लिए। तो अभी देख लो, वेट कर रहे हैं यहाँ पर। हम आपको भी बहुत सारे सीन दिखाने वाले हैं ट्रैवलिंग के, ठीक है, कैसे हम लोग मतलब देहरादून से बनबासा गए, ठीक है, पूरा सीन दिखाएंगे आपको। तो अब इस ब्लॉग में बने रहना, पार्ट 1 है ब्लॉग का, तो आपसे आगे मिलते हैं, बाय गाइस। तो हे गाइस हम लोग हरिद्वार की बस में बैठ चुके हैं और जो यहाँ से लेकर हमारा किराया लगा वो 65 रुपये लगा, 65, ठीक है। उसके बाद मम्मी और मैं थे तो हम लोग का लगा 130 रुपये। और उसके बाद अभी हम लोग बैठे हैं बस में, अभी यहाँ से बस में बैठे हैं, उसके बाद फिर हमें बस चेंज करनी है। तो हे गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं हरिद्वार के बस स्टैंड में, ये देखो, और हम अपनी बस को मतलब ढूंढ रहे हैं कहाँ को मिलेगी हमें, ठीक है। और मेरी जो बहन और मेरी मम्मी आगे चल रहे हैं, अब थोड़ा बस का पता करते हैं, ठीक है। अभी देखते हैं, अभी सुबह सुबह का टाइम है, पूछते हैं अभी पता करते हैं। ऑलमोस्ट हमें मतलब ना 40 मिनट लग गए यहाँ पहुँचते हुए, और अभी देखते हैं। तो हमें फाइनली कंडक्टर अंकल मिल गए हैं जो हमें बनबासा की बस दिखाने वाले हैं, ठीक है, और इनके साथ ही चलेंगे। गाइस फाइनली हमें बस मिल चुकी है हमें, ठीक है। अभी देखो आप लोग, बस थोड़ा सा कंडीशन देख सकते हो, बहुत पुराने जमाने की बस है ये, देखो थोड़ा, वाओ वेरी डेंजरस, देखो थोड़ा आगे से दिखाते हैं, ये देखो ये है बस वो, ठीक है। और अभी हम लोग अंदर को आ रहे हैं, पूरी बस खाली है ना अभी, तो बनबासा रस्ते में मिलेंगी सवारियां। अच्छा, तो अभी तो आप चेक कर सकते हो पूरा बस भी पूरा खाली है, ठीक है। इसका बस मिलगी अभी, यहाँ पे ज्यादा सवारी नहीं है, पूरा ये बस जो है खाली है, ठीक है। और उसके बाद अभी रस्तों में मिलेंगी सवारियां, अंकल ने बताया हमें। और उसके बाद अभी देखते हैं अभी क्या क्या सीन होगा, और अभी देखते हैं अभी कितना टाइम लगेगा। वैसे हमारी मम्मी जी ने चाय ऑर्डर करा दी है, जो मम्मी को बहुत ज्यादा पसंद है वो है गरम गरम चाय, और ये हमारे अंकल बेच रहे हैं चाय, और मैं तो नहीं पीऊंगा अंकल, मम्मी को दे दीजिए आप। मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से, मैं दूसरी बस में जा रहा हूँ, क्यों ना नू? और बच्चों के साथ पीछे ठीक रहता है भैया ना। और ये हमारी बस है जिसमें हम जाएंगे ट्रैवलिंग करेंगे, ये है बस। बस थोड़ा सा अजीब सी है यार, मम्मी ये ओल्ड फैशन वाली, पुरानी बस है, बहुत पुरानी बस है, चल तो जाएगी नहीं है। चल तो जाएगी। मेरे साथ अन्याय हुआ है और मैं अब किसी। तो हे गाइस हमारी बस चल चुकी है और उसके बाद हमारा जो सफर है वो शुरू हो चुका है, और हमारे जो अंकल हैं उनने अपनी बस स्टार्ट कर दी, और ये हमारे दूसरे अंकल है। और हम पहुंचे हैं नजीमाबाद, और हमें चलते चलते कम से कम 2 घंटे हो चुके हैं, और अभी बस रुकी
और हम लोग खा रहे हैं नमकीन। अगर आपने सफर में ये नमकीन नहीं खाई तो आपने सफर का मजा भी पूरा नहीं हुआ, क्योंकि ये नमकीन बहुत मजेदार है। किसी रोज बारिश जो आए। तो ही गाइस, हम लोग जसपुर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर जसपुर पे हमारा खाना होगा और भूख भी लग गई है और 12:30 हो चुका है टाइम और जसपुर पे हमारी गाड़ी रुकी है खाने के लिए और उसके बाद देखते हैं अभी अंदर क्या क्या है। तो हमने ऑर्डर का ये एक पूरी थाली, अभी देखते हैं खाने में क्या क्या आता है। तो ही गाइस, हमारी थाली आ चुकी है और ये थाली जो है हमारी, इसमें है वेजिटेबल्स, ठीक है, और सलाद और रोटी, दाल और उसके बाद फिर चावल और मिक्स वेजेस में पनीर के पीसेस भी हैं। और ये जो है 130 रुपए की है। बहुत अच्छी सर्विस लगी मुझे यहाँ पे, मतलब जैसे हम सफ़र में जाते हैं ना तो वैसा नहीं है, बहुत अच्छी सर्विस है यहाँ की और अच्छा लग रहा है। तो ही गाइस, हमने भैया के यहाँ खाना खाया और भैया ने जो हमें खाना खिलाया और जो भैया के वहाँ का टेस्ट है होटल का, क्या लाजवाब है। और जो भैया सर्विसिंग करते हैं, भैया बहुत अच्छा लगा आपके यहाँ रुक के, यहाँ पे खाना खाया हमने और नेक्स्ट टाइम अगर जब भी मौका मिलेगा आपके यहाँ ज़रूर। बहुत अच्छा है अंकल, आपके यहाँ का होटल का खाना बहुत बढ़िया है और बहुत अच्छा खाना है, बहुत अच्छी सर्विसिंग है यहाँ की। मतलब वो वैसे सफ़र में ना मिलता नहीं है ऐसा ना, मतलब अजीब सा खाना रहता है, लेकिन आपके वहाँ का हर चीज़ बेस्ट है अंकल जी। ठीक है, जब हमारा जमशेदपुर का जो सफ़र है वो स्टार्ट हो चुका है, ख़त्म भी होने वाला है। चलो, हमारा लंच हो गया और उसके बाद हम दोबारा अपनी सीटों पे आ चुके हैं। चलो, और बस बहुत अच्छा रहा हमारा लंच, बहुत बढ़िया रहा। तो हे गाइस, आप चेक कर सकते हो बनबासा का अभी सीन, ये देखो। और ये यहाँ पे दुकान है जहाँ पे हम चाय पियेंगे अभी, और ये देखो, और वहाँ पे बस बस लग रखी है। उसके बाद अभी बज रहे, हम लोग अभी थोड़ा मार्केट घूम रहे हैं और थोड़ा आप लोग को भी दिखाते हैं। ये देखो, सही है मार्केट, इतना मतलब तगड़ा भी नहीं है और इतना छोटा भी नहीं है, मीडियम साइज का मार्केट है। तो ही गाइस, अब हम लोग थोड़ा अंदर को आके यहाँ पे आ चुके हैं। हम थोड़ा, जो हमारा रोशन मेरा भतीजा है उसके लिए हम कपड़े लेंगे, ठीक है, और अभी देखते हैं। शॉप तो बहुत सही है, ये देखो गाइस, हमने फाइनली ई रिक्शा करा लिया है और ये भैया हैं, और यहाँ से अंदर जाने का हमें देना पड़ रहा है 150 रुपये। ई रिक्शा में बैठ चुके हैं मजियाओं के लिए, ठीक है, यहाँ से मतलब दूर है थोड़ा, तो हमने ई रिक्शा करा लिया है और उसके बाद चलते हैं अभी। तो हे गाइस, हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं यहाँ पर, आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ लोग भी खड़े हैं और नीचे पे हैं, मतलब सारी तैयारियाँ हो रखी हैं नीचे पे। और उसके बाद अभी देख लो यहाँ का व्यू, आपको चेक कराता हूँ मैं। ये देख सकते हो यहाँ पे घर है और यहाँ पर व्यू है, आप चेक करो, वाओ कितना मतलब सही व्यू है यहाँ का, बहुत सही व्यू और अच्छा लग रहा है यार यहाँ पे व्यू देख कर, इतना बढ़िया वाला। और क्या है, और ये जो ब्लॉग है मेरा फर्स्ट पार्ट है, तो ये ब्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करेंगे और उसके बाद गाइस आपको भी मतलब ये ब्लॉग में मज़ा आया होगा, आपको आगे मिलना है, बाय गाइस।